चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करते हैं। भिंड से खबर, सहकारिता मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी सामने आई है। अरविंद भदौरिया की जीतू पटवारी के लिए अमर्यादित टिप्पणी है, बोले मार मार के। दिग्विजय सिंह के लिए भी अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है। कमलनाथ के लिए भी अमर्यादित टिप्पणी उनके द्वारा की गई है। तो भिंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहकारिता मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी सामने आई है। जीतू पटवारी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की है, इसके अलावा कमलनाथ के लिए भी कुछ इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सहकारिता मंत्री ने किया है। अपनी मर्यादा को भूलते हुए सहकारिता मंत्री नजर आ रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के लिए अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के लिए भी और कमलनाथ के लिए भी कुछ इसी तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आए हैं। राजनीति में सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जब सत्ता में खुद नेता आ जाते हैं तो क्या सत्ता की हनक इतनी ज्यादा हो जाती है। सुशील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सहकारिता मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी जीतू पटवारी के लिए, दिग्विजय सिंह के लिए, कमलनाथ के लिए नजर आई है। जी आपको बता दूं, ये सत्ता की अलग कह सकते हैं या अति उत्साह कार्यकर्ता और मंत्री दोनों का। सबसे बड़ी बात, शुरुआत करते हैं मालनपुर से, जैसे ही प्रवेश करते हैं भिंड जिले की सीमा में तो लाखों की तादाद में सैकड़ों जगह स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया और इतनी भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग से पूरी सभी जगह मालनपुर से लेकर भिंड तक धज्जियां उड़ाई जाती रही, कहीं देखने को नहीं मिली सोशल डिस्टेंसिंग कार्यकर्ताओं के द्वारा अति उत्साह के चलते। दूसरा, जब मंत्री जी मंच में पहुंचते हैं तो सत्ता की अलग कहें या उसको अति उत्साह कह सकते हैं, तो अति उत्साह में आके वो क्या क्या बोलते गए उनको स्वयं ही भान नहीं था। पहले जब जिस बात पर बीजेपी लगातार मुकरती रही है कि हमारा कोई रोल नहीं था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाने का, वो बात उन्होंने आज मंच से स्वीकार की और कहा उनने कि उनकी जो 22 विधायक बेंगलुरु गए थे उनकी रखवाली मैंने की। जब जीतू पटवारी उनको लेने पहुंचे तो उनके पिछवाड़ा सुझा दिया पीट पीट करके, ये दूसरी बात उन्होंने स्वीकार की। तीसरी बात, उन्होंने जब तक उनका संबोधन मंच रहा तब तक काले काले कमलनाथ के नाम से ही संबोधित करते रहे लगातार। तीसरी, दिग्गी राजा को बाप का नाम लेकर के उन्होंने जवान फिचली, उन्होंने कहा कि दिग्गी राजा के बाप में भी दम हो तो मेरा कुछ बिगाड़ ले। ये उनके लगभग सत्ता की अलग लगातार देखने को मिली। पहली बार मंत्री बनने के बाद लोगों का कितना घमंड पैदा होता है, ये भिंड में नजारा देखने को मिला है। ठीक है सुशील, बने रही हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं की सहकारिता मंत्री क्या है क्या रहे हैं। दिग्विजय सिंह का लड़का आ जाता है, गैरवंत सिंह है, एक जीतू पटवारी करके मिनिस्टर शिक्षा मंत्री को आ जाता है, लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं, दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। मैं वहां पे आपका बेटा आपका भाई था, मुझे जीतू पटवारी कहते हैं, तो मैं तो चंबल से आता हूं, मुझे भी अभी मुझे चंबल का आपने किसी की स्वीकार नहीं करेगा, मान सम्मान स्वाभिमान से रहने वाला आदमी है। तो बंधु वहाँ पे आपका भाई आपका बेटा पूर्व से लगातार जो है ना बैकग्राउंड में। तो सुशील हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, सहकारिता मंत्री जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो घमंड को चूर चूर कर देंगे या फिर इस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आपको क्या नजर आता है? क्या वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और अब वो आ गए हैं तो वो कार्यकर्ताओं को खुश रख लेंगे, या फिर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ओहदा बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए वो उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी आपको बता दूं, जो अरविंद भदौरिया है संगठन के कद्दावर नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश में उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में हुआ करती थी, लेकिन जब मंत्री पद आने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो गुरूर है वो आज खुलकर के सामने आया है कि हम ये कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमारा कद कितना बड़ा हो चुका है, हम किसी के भी के खिलाफ
कुछ भी कह सकते हैं। ये उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारा कद बहुत बड़ा है और कांग्रेस के जो कमलनाथ भी है तो काले के नाम से बराबर संबोधित करते हुए उनको भी बड़ा साबित करने की कोशिश की है। साथ ही एक बात और सुशील समझना चाहेंगे, कमलनाथ को लेकर भी उन्होंने कहा है और दिग्विजय सिंह को लेकर भी क्या कहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या उसको आप थोड़ा बता पाएंगे? जी कमलनाथ को लगातार उन्होंने कई बार काले कमलनाथ के नाम से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था, काले कमलनाथ। उसके बाद दिग्गी राजा को उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो हमारे भाषा की टिप्पणी थी कि कमल दिग्गी राजा के बाप में भी दम हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये टिप्पणी कम से कम राजनीतिक मंच पर ये शोभा नहीं दे सकती है कि एक मंत्री के मुंह से इस तरह के शब्द निकाले जाए। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा ठीक है। सुशील वापस लौटेंगे, एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है और कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी पहले आप भी सुन लीजिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। एक जीतू पटवारी करके मिनिस्टर से छापती हुआ था, लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं, दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। मैं वहां पे आपका बेटा आपका भाई था, मुझे जीतू पटवारी कहते हैं, चंबल से आता हो मुझे भी अभी मुझे चंबल का आपने किसी की शिकायत नहीं करेगा, मान सम्मान स्वाभिमान से रहने वाला आदमी है। तो बंधु वहां पे आपका भाई आपका बेटा पूर्व ढंग से लगातार जो है ना बैंगलोर में सड़क के उतर जाऊंगा। काले कमलनाथ कहते हैं दिल से काले, शरीर से तो गोरे होंगे, दिल से काले कमलनाथ कहते हैं कि तुमने दम हो तो सड़कों को उतर जाओ। ये है महाराज, कमलनाथ सड़कों पे हम नहीं उतरेंगे, तुम्हारी सरकार को सड़कों को उतार देंगे, तो सरकार को उतारने का काम के मिश्रा जी। सहकारिता मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिएगा सत्ता के दंभ में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति असभ्य युग का अवशेष ना बने तो बेहतर होगा। आज अरविंद भदौरिया जी एक सामान्य व्यक्ति ना होकर मध्य प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब यह बाइट उनकी यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के बाहर जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके संस्कारों की पोल अपने आप खुल जाएगी। किस तरह वो दिग्विजय सिंह जी के मामले में बोले हैं, किस तरह कमलनाथ जी के मामले में बोल रहे हैं, किस तरह जीतू पटवारी जी के मामले में बोल रहे हैं। एक शिक्षित कहा जाने वाला मंत्री, मुझे तो उनकी डिग्री पर आश्चर्य हो रहा है और उनके संस्कारों पर आश्चर्य हो रहा है कि वो किस तरह की बातें राजनीति में कर रहे हैं। थोड़ा जिस क्षेत्र से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने, जो उनका भिंड सराउंडिंग ग्वालियर है, अटल जी जैसे लोगों ने जो शब्दों की बाजीगरी के जादूगर थे जिनके लिए पूरा देश नतमस्तक होता था, उनसे ही कुछ सीख लेते तो बेहतर होता। के मिश्रा जी, राजनीति बहुत होती है चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से देखें या फिर बीजेपी की ओर से देखें, लेकिन शब्दों की मर्यादा को भूल जाना कहां तक सही नजर आता है? क्योंकि कई बार इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है, कार्यकर्ताओं के बीच नेता जाते हैं और इसी तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप में खुद की पार्टी के ऊपर सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर लेते हैं। देखिए सर, राजनीति एक वैचारिक धरातल पर एक दूसरे के खिलाफ वैचारिक संघर्ष का माध्यम है, ना कि अभद्रता परोसने का, ना कि गुंडागिर्दी करने का, ना किसी को दोष देने का। चाहे वो मेरी पार्टी हो या भाजपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, किसी भी व्यक्ति को शाब्दिक दरिद्रता का उपयोग राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। अगर आपने ध्यान से के मिश्रा जी सुना हो तो काले कमलनाथ कमलनाथ जी को कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा दिग्विजय सिंह को लेकर भी उन्होंने कहा, जीतू पटवारी को लेकर लगातार वो कहते हुए नजर ही आ रहे हैं। तो आपको इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है? क्या बीजेपी को लेकर आपको लगता है लगातार कांग्रेस पार्टी निशाना साधती रही है, या फिर सत्ता की हनक है, या फिर अपने संस्कारी सहकारिता मंत्री भूल गए जैसा कि आप कह भी रहे हैं? देखिएगा विपक्ष पर या सत्ता पर एक दूसरे राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को विपक्ष में बोलने का या उनके खिलाफ बोलने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, मगर उसकी गरिमा, उनमें शब्दों का चयन क्या हो, या किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि अपनी अभद्रता और अपने गंदे संस्कारों से
भारतीय राजनीति के मान्य परंपराओं और मूल्यों को नष्ट करे। और यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसके दो ही कारण है, या तो वे उनके संस्कार को परिलक्षित कर रहे हैं या उनके पार्टी का ऐसा एजेंडा है। ठीक है, ठीक है, के मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो सहकारिता मंत्री शब्दों की मर्यादा को भूलते हुए नजर आए हैं और अमर्यादित टिप्पणी जीतू पटवारी के ऊपर, दिग्विजय सिंह के ऊपर, कमलनाथ के ऊपर करते हुए नजर आए हैं।